नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज बेसलाइन सीखेंगे दिल है छोटा सा गाने की। सिर्फ सीखने नहीं वाले, थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, यानी कि हर एक कॉर्ड एक सेट ऑफ नोट्स को अब्सॉर्ब कर सकती है या फिर हर एक सेट ऑफ नोट्स एक कॉर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। वो सब देखेंगे कैसे किया गया है जिससे इस गाने में इतना ज़्यादा बाउंस और अमेजिंगनेस आ गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस गाने की बेसलाइंस, हर रहमान सर के सॉन्ग्स की तरह। ये बेसलाइंस मिस्टर कीथ पीटर्स ने बजाई हैं। तो पहले हम गाने की कॉर्ड बजाएंगे, उसके बाद में बेसलाइन सुनेंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि कैसे किस कॉर्ड के साथ में क्या चीज़ अटैच की गई है। ठीक है, कॉर्ड्स को बजाने का पर्पस बार बार बेस पे यही है कि एग्जैक्टली समझ रहे कि कौन सी हार्मनी के साथ या कौन सी कॉर्ड के साथ कौन से नोट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। इस बेस लाइन की खासियत ये है कि काफ़ी अच्छे से स्टिच किया गया है ट्रायड्स को, स्केल शेप्स को, एक अच्छी इंटरेस्टिंग बेस लाइन बनाने के लिए। सिर्फ दो ही मेन सेक्शन हैं इस गाने के, एक बार हमने सीख लिया फिर ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा सेक्शन जब खत्म होगा तो आपको एक इंटरेस्टिंग फनी वीडियो दिखाऊंगा। 5-स्ट्रिंग बेस आज इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मेरे 4-स्ट्रिंग बेस के ट्यूनिंग पैक्स टूट गए हैं। दूसरी चीज़, ये गाने की बेस लाइन 5-स्ट्रिंग बेस पर बजाई गई है। तो मैं वहां से कॉर्ड्स बजानी शुरू करता हूँ जहां से गाना शुरू हो रहा है। डी मेजर, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, होली सी आशा, चांद तारों। ये हुआ हमारा पहला चंक। अब आपने एक कॉर्ड देखी होगी ऊपर लिखी हुई जिसका नाम है ए ओवर सी शार्प। अब ये क्या चीज है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। मैं आपको कीबोर्ड पे दिखाता हूँ फटाफट इन्वर्शन क्या होता है। इन्वर्शन बिल्कुल सिंपल चीज होती है, उसका मतलब होता है कॉर्ड को इन्वर्ट करना। ठीक, ये इन्वर्जन है। अब समझते हैं हो क्या रहा है। आपकी कॉर्ड जो होती है 1-3-5 होती है। ठीक, अब इसको एक और तरीके से बजाया जा सकता है जो है 3-5-1। इसको मैं 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है या फिर ऑक्टेव है। ठीक है, सेम नोट्स है। So, एक बार और रूट पोजीशन, और फिर ये जो पहला बनेगा इसे हम कहेंगे फर्स्ट इन्वर्जन। रूट पोजीशन को या मेन कॉर्ड को रूट पोजीशन ही कहा जाता है, और फिर उसके बाद आता है फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक, अब ये वाले को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। इस नोट को मैं टॉप पे ले जा सकता हूँ। ठीक, तो ये एक और इन्वर्जन बन गया। इसको कहते हैं हम सेकेंड पोजिशन। तो रूट पोजीशन को लिखा जाता है सी मेजर, उसके बाद फर्स्ट इन्वर्जन को लिखा जाएगा सी ओवर ई, यानी कि ई नोट है बेस पे, तो जो बॉटम नोट है या बेस नोट है वो है ई। और ऐसे ही सेकंड इन्वर्जन होगा सी ओवर जी। ठीक है, कि सी कॉर्ड ऊपर है और जी बेस नोट में बज रहा है, राइट? अब ऐसे ही हमारे गाने के केस में हमारा गाना है डी मेजर में। ठीक, ये है हमारा गाना, तो हम बजा रहे थे डी मेजर, उसके बाद में ए मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन। तो ए मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन निकालते हैं यहाँ पे, ये है मेरी ए मेजर कॉर्ड। ठीक, अब इसका फर्स्ट इन्वर्जन क्या होगा, इसको मैं ले जाऊँगा टॉप पे, तो ये बन गया ए मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन। मेरी कॉर्ड्स क्या है, डी मेजर Going to first inversion of A major. कितना अच्छा लग रहा है। ठीक, कुछ ऐसा बज रहा है। चलिए बेस पे चलते हैं और देखते हैं इन्वर्जन कैसे बजाना है। अब बेस पे इन्वर्जन बजाने का सबसे आसान तरीका है, एक शेप याद कर लीजिए, आपकी फर्स्ट इन्वर्जन की शेप ऐसी होती है। ठीक, अब A major ये कॉर्ड है यहाँ पे, 1-2-3 सारे का ग से बनेगा फर्स्ट इन्वर्जन, और फर्स्ट इन्वर्जन की शेप ऐसी होती है। थर्ड फिंगर यहाँ पे है, एक स्ट्रिंग छोड़ के फर्स्ट फिंगर, और फिर पिंकी जी स्ट्रिंग पे, तीन नोट्स प्लग करेंगे हम। ठीक, मैं क्या किया अब डी मेजर। अब डी मेजर को मैं ऐसे बजा रहा हूँ, ये डी मेजर की एक और शेप है, तो हमारा ये हो गया डी मेजर, और ये 5 को मैं यहाँ पे भी बजा सकता हूँ। ठीक, तो शेप ये हुई, क्योंकि मुझे फिर इन्वर्जन पे जाने में आसानी होती है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। ठीक, अब बेस लाइंस क्या बज रही है इसके ऊपर। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन, होली सी आशा, चांद तारों।
ठीक, तो कीथ सर ने बेसिकली सब कुछ डी मेजर में ही 1/5 और ऑक्टेव का इस्तेमाल करके बजाया। पॉइंट ये है इस बेस लाइन का, रिदमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टा 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 डा 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 टा 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 डा डो डा टा 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 डा डा डो। तो दोनों कॉर्ड्स के ऊपर यही बेस लाइन कैसे चल जाती है, क्योंकि डी मेजर और ए मेजर एक ही डायटोनिक हार्मनी का पार्ट है। अगर आपको डायटोनिक हार्मनी और ये सब नहीं पता है, मैंने कोर्सेज बना रखे हैं, द स्कूल ऑफ बेस डॉट इन पे अवेलेबल है। लेवल 1 कोर्स ज्वाइन कीजिए ये सब सीखने के लिए कि कैसे डायटोनिक हार्मनी काम करती है। सब इन डेप्थ है, गानों के साथ में अटैच करके मैंने सब कुछ बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप आराम से एनरोल कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट चंक पे। एक और चीज़ आपको बतानी थी मैंने कि नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले, ये जो ट ट ट ट ये जो बज रहा है इसको पिज्जिकाटो कहते हैं। तो पूरा ऑर्केस्ट्रा जो होता है स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा, वो मिलके वायलिन की, चेलो और स्ट्रिंग्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्लग करते हैं वो फिंगर से। एक छोटी सी आपको मैं क्लिक दिखाता हूँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा बेसिकली मिलके स्ट्रिंग्स को प्लग करता है कुछ इस तरह से, इसको पिज्जिकाटो कहते हैं। सो ये लोग कोई भी बो का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जो स्टिक होती है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, सब प्लग कर रहे। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके बेसिकली ऑर्केस्ट्रा ने दिल है छोटा सा छोटी सी आशा कुं 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 कुं, ये साउंड कीबोर्ड पे भी अवेलेबल होती है, पिज्जिकाटो इसका नाम होता है। आगे की कॉर्ड्स देखते हैं आप। जी मेजर, ई माइनर, जी मेजर, ई माइनर, दिल ही छोटा सा। ठीक, बैक टू दैट। अब इसकी बेस लाइन, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा। अब हर कॉर्ड आपको लेफ्ट में दिखाई देगी और उस कॉर्ड से रिलेटेड क्या बज रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब जी मेजर पे सिंपली मेजर स्केल की लाइन को डिसेंड कर दिया है, सा नी धा पा, और उसके बाद में सीधा जी मेजर ट्रायड। क्या हुआ पहली दो कॉर्ड्स में, उसके बाद में हमें ए माइनर पे जाना है, तो ए माइनर पे बजा है ए माइनर ट्रायड, लेकिन बीच में एक क्रोमैटिक नोट अटैच किया गया है, 1 2 3 4। ठीक, ये मेरा हुआ क्रोमैटिक नोट। आगे लाइन आती है, ठीक ए माइनर पेंटाटोनिक के ही ये नोट्स हैं, ए माइनर कॉर्ड के ऊपर। ए माइनर पेंटाटोनिक के नोट्स हैं, पूरे नहीं बजाए ऑब्वियसली, मिक्स कर दिए, ठीक सिर्फ इतने, लेकिन यहीं पे पास में बजाने के लिए ये वाला माइनर थर्ड 4, और उसके बाद में वापस जी पे जाना है। ठीक है, पूरी लाइन देखते हैं कैसी साउंड कर रही है, 3 4 जी जी, ए माइनर, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है आसमानों में उड़ने की आशा। तो आसमानों में वाला जो पार्ट है वहां पे देखते क्या बज रहा है, आसमानों में, सिंपल मेक सेंस, जी मेजर पे जी मेजर ट्रायड, आसमानों में। अब यहां पे आते हैं हम ए, जब पार्ट आता है हमारा तो ए पे बजाता है बेस प्लेयर ये नोट्स, ए मेजर कॉर्ड पे ए का 1 5 और 3। अगर आप 1 5 3 ऐसे बजा सके, उसको हम ऐसे भी बजा सकते हैं 1 5 3, ठीक। उसके बाद में डी मेजर, तो ये वाला सेक्शन पूरा बजाते हैं 2 3 4। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं, म्यूजिक सेक्शन मैंने बीच में स्किप कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट की कॉर्ड बजाते हैं। बस
इसमें थोड़ा सा ही बेस है वैसे भी, ये मेन पार्ट है। यहाँ पे देखते हैं बेसलाइन क्या बज रही है। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे। तो बेसलाइन बनी 2 3 पारारारा। ई पे क्यों गए? क्योंकि नेक्स्ट कॉर्ड ई आ रही है। और यहाँ हम इस ई नोट पे आ गए थे, उसके बाद में रिवर्स आता है, ठीक? क्योंकि ये मेजर स्केल के ही नोट्स हैं, मेजर पेंटाटोनिक के। उसके नोट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है डी मेजर कॉर्ड आने से जस्ट पहले। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, एक बार मिस्टर कीथ पीटर्स किसी शो में बजा रहे थे और वहां पे उन्होंने क्या किया कि बेस लाइन बजानी शुरू कर दी और लोगों से पूछना शुरू किया ये कौन सा गाना है। तो उड़ी 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 जो गाना है साथिया मूवी का, वो तो पकड़ लिया ऑडियंस ने, लेकिन ये वाला गाना नहीं पकड़ पाया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उसकी वीडियो छोटी सी। सो यहाँ पे सो ये ऑब्वियसली एकदम से पकड़ ली लोगों ने। उड़ी 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 कितना मुश्किल है उड़ी 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 बोलना। एनीवे एंड देन इसके बाद में क्या होता है, ये वाला पार्ट बजाया जाता है रोजा का। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बजाया है, कौन सा गाना है, किसी को नहीं पता। इसके बाद में बेसिकली जैसे कीबोर्ड ऐड होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चंक की कॉर्ड्स बजाते हैं। बेसलाइन काफी आसान है इसकी। सो लास्ट में डा 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 इस तरह से इन्वर्जन को बजाया गया है। पहले क्या कर रहे थे हम, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा ब्रेकडाउन ऑफ द होल सॉन्ग। अब आपको क्या करना है, पूरा गाना प्रैक्टिस कीजिए। यही दो सेक्शन है पूरे के पूरे गाने के, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वही आपस में लूप होते रहते हैं। थोड़ी मेहनत कीजिए और उसके बाद रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर द स्कूल ऑफ बेस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज जरूर खरीदें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एनरोल करें, अच्छे से सीखें, मजे से सीखें। काफी ध्यान से कोर्सेज बनाए हैं मैंने आपके लिए। आई सी यू नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब कीजिए और हर हफ्ते नए लेसन के मजे लें।